चलिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। दोनों आंखें सहजता से बंद, एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और देखो उनका उच्चारण। ओ सभी एक साथ एक स्वर में माता सरस्वती की प्रार्थना करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मन ही मन संकल्प करेंगे कि इस बार की परीक्षा में हम लोग लड़ते आ रहे उत्तीर्ण करेंगे। इसी भाव के साथ दोनों हाथों में घर्षण कीजिए, पलकों पर लगाइए और धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए। आप सभी को हरिओम। बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं। हाँ अभी तक तो नहीं हुई है। नाउ इट्स कमिंग ऑन। दिख रही है सबको स्क्रीन? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, तो कल की कक्षा में हमने चर्चा किया था विभूतिपाद के 40वें सूत्र तक, जिसमें क्या है हमारी 6 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। अब आज हम आगे बढ़ते हैं 41 नंबर का जो हमारा सूत्र है। अब देखिए जो 36वें नंबर का सूत्र, सॉरी 36वें नंबर के सूत्र में 6 सिद्धियों का वर्णन किया गया था, 40 नंबर के सूत्र में क्या है समान वायु के बारे में बताया गया है कि जब हम समान वायु को जीत लेते हैं उस पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं संयम के द्वारा, तो जो योगी का शरीर है वो दीप्तिमान हो जाता है। अब जो 36वें नंबर के सूत्र में 6 प्रकार की सिद्धियां बताई गई थी, तो उनमें से श्रावण नाम की जो सिद्धि है उसका साधन बतलाते हैं। तो 41 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं श्रोत्रा काशियो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्र। तो श्रोत्र का अर्थ होता है कान और उसके बाद आकाशयो अर्थात आकाश। तो श्रोत्र अर्थात कान और आकाश के संबंध संयमात के संबंध में संयम कर लेने से, ठीक है, संयम कौन करेगा? योगी। तो क्या हो जाता है? दिव्यम श्रोत्रम। जो योगी का जो श्रोत्र है कान है वो क्या है? दिव्य हो जाता है। व्याख्या पढ़ते हैं तो शब्द को ग्रहण करने वाली, क्योंकि श्रोत्र का विषय क्या है? इंद्रिय है। ग्रहण किसको करती है? विषय को। तो श्रोत्र इंद्रिय का विषय क्या है हमारा? शब्द। ये क्या है? अहंकार से उत्पन्न हुई है। कल मेरा क्वेश्चन यही था कि इसको अहंकार से उत्पन्न हुई है ऐसा क्यों बोला गया, बताइए। मैम, क्योंकि तन्मात्राएं अहंकार से सत रज और तम, फिर तम से पंचभूत और तन्मात्राएं आती हैं, इस वजह से। इच्छा जी आंसर कर रही है क्या? यस मैम। वेरी गुड, है ना। तो क्योंकि होता क्या है, जब हम विकासवाद के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति से सबसे पहले क्या आता है? महत्तत्व। महत्तत्व के बाद आता है अहंकार, और अहंकार के बाद क्या आता है हमारा? तीनों गुणों में वो जो अहंकार है वो तीनों गुणों में डिवाइड हो जाता है, सत्व अहंकार, रजस अहंकार और तमस अहंकार। फिर उनसे करके क्या है, जो हमारा सत्व अहंकार है उनसे है जो हमारी इंद्रिया है उसकी उत्पत्ति होती है, और जो हमारा क्या बोलते हैं तामसिक अहंकार है ना, तो उसके द्वारा क्या है हमारी जो पंचभूत है, सॉरी पहले स्थूल सूक्ष्म भूत और उस सूक्ष्म भूत से क्या है स्थूल महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो इसी कारण कहा गया है श्रोत्र इंद्रिय आपका अहंकार से उत्पन्न हुई है, और आकाश की उत्पत्ति अहंकार जनित शब्द तन्मात्रा से, क्योंकि तमस अहंकार आता है, तमस अहंकार के बाद क्या है हमारी सूक्ष्म महाभूत, फिर उन सूक्ष्म महाभूत से क्या है हमारे स्थूल महाभूत जो पंच महाभूत है उनका निर्माण होता है। अतः कहा गया है कि आकाश की उत्पत्ति अहंकार जनित शब्द तन्मात्रा से हुई है। अतः आकाश शब्द और श्रोत्र इंद्रिय इन तीनों की एकता है, और इस श्रोत्र और आकाश के संबंध को जब योगी संयम द्वारा प्रत्यक्ष कर लेता है तब उसकी श्रोत्र इंद्रिय में दिव्य शक्ति आ जाती है। फिर अब जब दिव्य शक्ति आ जाएगी तब क्या होगा? सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है, किसी वस्तु से ढके हुए शब्द को भी सुन सकता है, मतलब कोई आवाज आ रही है जैसे कि अनाहत नाद है ना, वो भी हमको सुनाई नहीं देता, वो भी क्या है ढका हुआ है।
तो इसी प्रकार बहुत सारी जो आवाज है जो हमको सुनाई नहीं देती, कोई भी मतलब हमारे फ्रिक्वेंसी रेंज में जो आती है सिर्फ उसी वस्तु को, उसी की आवाज को हम सुन पाते हैं ना। लेकिन जब हमारा श्रोत्र दिव्य हो जाएगा तो जो ढका हुआ शब्द है ना, जिसको हम नहीं सुन पा रहे हैं, उसको भी योगी सुन लेगा। और जो शब्द कहीं दूर देश में बोला जाए, मतलब हम यहाँ बैठे हैं लेकिन किसी अन्य स्थान पर जहां पर हमारी पहुंच नहीं है, वहां पर भी अगर कोई शब्द बोलता है तो वह भी योगी को सुना, वो भी योगी क्या है, उस शब्द को सुन सकता है। क्योंकि आकाश विभु अर्थात सर्वव्यापी है। आकाश क्या है? सर्वत्र है। ऐसा कोई जगह है क्या जहां पर आकाश नहीं है? ऐसा असंभव है ना। जहां तक है मतलब हर जगह क्या है, आकाश व्याप्त है। क्यों? आकाश क्या है? शून्य है ना। तो इस कारण उसके अंदर कहीं भी होने वाला शब्द तत्काल ही सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आकाश सब जगह है और आकाश में ही संयम कर है। तो इसके कारण जो उसके द्वारा क्या है, उसके अंदर कहीं भी जो होने वाला शब्द है तत्काल ही क्या है, सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। अतः जिसकी स्रोत्र इंद्र दिव्य यानी अलौकिक हो जाती है, वह चाहे जिस शब्द को जहां हो वहीं पर सुन सकता है। तो इस प्रकार देखिए हर चीजों को हम लोग तीन प्रकार से पढ़ रहे हैं ना, सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट। तो इस प्रकार के जो तीनों प्रकार के शब्द होंगे वह योगी सुन सकता है। कब? कब? कब जी बोलो ना। मैं अकेली हूँ क्या क्लास क्लास में? यस मैम हाँ जल्दी रिस्पॉन्स किया करो। श्रोत्र और सब आकाश में, ठीक है, श्रोत्र और करो आकाश के संबंध में संयम कर लेने से। अब एक चीज बता रही हूँ है ना, मैं जब अपने टाइम में क्लास अटेंड करती थी ना, उधर से क्वेश्चन हुआ और इधर से तुरंत मेरे साइड से आंसर जाता था। सबसे पहले माइक ओपन करूं, ऐसा आप लोग बना करके रखा कीजिए। क्यों? अगर आपके में आंसर देने की ललक होगी तो उसके लिए क्या है, आंसर देना आप कब दे पाएंगे, जब आपको पता रहेगा। और पता कब रहेगा? जब आप पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आंसर करूंगी, ऐसा सोच करके ही आपको क्या है पढ़ाई करना है। और यही चीज आपको क्या है एग्जाम में भी हेल्प करता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है, ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिन लोगों का क्वेश्चन छूट जाता है ना। तो वो चीज क्या है, जब हम लोग यहाँ पर आंसर करते जाते हैं, यहाँ पर गलत आंसर करो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद इस चीज का आदत लग जाता है, कुछ दिन में क्या है हेजिटेशन भी मिट जाता है। तो एग्जाम में फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। मेरा खुद एग्जैक्ट 3 घंटे में बना था है ना, 7 सेकंड पहले मैं सबमिट की थी आंसर से। तो तैयारी अच्छे से रखिए, आंसर जल्दी देने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट सूत्र में आगे बढ़ते हैं। अब काया काशयो संबंध संयमा लघु तुल समापत्ते साकाश गमनम। तो काया काशियो, काया अर्थात शरीर, तो शरीर और आकाश के संबंध संयमान, संबंध में संयम करने से। और ठीक है, कहाँ पर है ये, च आया है तो उसका हुआ। और लघुत्तुल समापत्ते, लघु मतलब हल्की, ठीक है, हल्की वस्तु रुई आदि में संयम करने से आकाश समापत, क्या बोलते हैं, आकाश गमनम, आकाश में चलने की क्या है शक्ति आ जाती है। व्याख्या पढ़ते हैं, मतलब इसमें बोला क्या गया है, शरीर और आकाश में जब हम संबंध में संयम करते हैं, और किसी भी हल्की वस्तु में जब हम संयम करते हैं, तो योगी क्या है उसको आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। व्याख्या पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया है, छोटा ही है। तो शरीर और आकाश का जो संबंध है ना, तो उसमें जब हम संयम द्वारा पूर्णतया प्रत्यक्ष कर लेने पर योगी इस तत्व को भली भांति समझ लेता है, और शरीर के अंग किस प्रकार सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था में परिणत होते हैं और किस प्रकार पुनः स्थूल से सूक्ष्म किए जा सकते हैं। मतलब जब इन दोनों में संयम कर लेंगे तब हमको ये ज्ञात हो जाता है, अभी क्या है हमारा शरीर है वो स्थूल है, तो इसको स्थूल से सूक्ष्म कैसे में बदला जाता है, और पुनः जो सूक्ष्म है उससे स्थूल में कैसे परिणत किया जाता है, कैसे बदला जाता है, इस बात का ज्ञान हो जाता है। अतः वह अपने शरीर को अत्यंत हल्का बनाकर आकाश में गमन कर सकता है। इसी तरह योगी जब किसी भी सूक्ष्म अर्थात भुनी हुई रुई या बादल, उनकी बादल क्या है हल्का है तब भी वो ऊपर में है ना, और उसके बाद भुनी हुई रुई अर्थात जिस रुई को क्या बोलते हैं, जब सपोज गद्दा वगैरह बनाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक वो आता है मतलब उसको हल्का करने का रहता है, उसमें ऐसे एक एक उसके जो रुई है उसके रेशे को क्या है अलग किया जाता है, तो वो एकदम हल्का हो जाता है ना। तो
इसी कारण कहा गया धुनी हुई रुई या बादल आदि वस्तु में संयम करके तद्रूप हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है, तब उससे भी उसको आकाश गमन की योग्यता मिल जाती है। तो दो प्रकार से आकाश में गमन करने की शक्ति हमको प्राप्त होगी। पहला क्या है, शरीर और आकाश के संबंध में संयम करेंगे, क्योंकि ऊपर देखो श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करने के लिए बोले तब क्या है, उसके दिव्य श्रोत्र हो गया करके बोले। अब इसमें काया और आकाश के संबंध में जब संयम करने को बोला जाना है तब वो क्या है, हल्का हो जाएगा और आकाश गमन करने की शक्ति हो जाएगी। और इसी प्रकार जो कोई भी हल्की वस्तु है उसके संबंध उसमें भी हम संयम करेंगे तो उससे भी क्या है, हमको आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आया आप लोगों को समझ में? यस और नो? यस सर। अब बताइए आकाश गमन की सिद्धि एज पर हठ योगिक टेक्स्ट किसके द्वारा मिलती है? मैम जो तृतीय स्थिति होती है ना प्राणायाम की, वो नहीं है। मैं तो आकाश गमन की बोल रही हूँ। चलो खेचरी मुद्रा। ठीक है। और उसके अलावा मैं एक और बहुत सारा कंपैरेटिव स्टडी का वो करके बता रही हूँ, योग उपनिषद में भी दिया है और हठ योगिक टेक्स्ट है उसमें भी दिया है। अब बताइए धारणा में दिया है। चलो एक और हिंट, एकदम आंसर के पास ले गई। ठीक है, आप लोग कल पढ़ करके बताइएगा मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर स्किप, आगे बढ़ते हैं। जिनको पता रहेगा चैट बॉक्स में टाइप कर लेना, बाद में हम लोग देख लेंगे। अब हुआ है उसके बाद, अब ज्ञान के आवरण का नाश जिस उपाय से किया जाता है जा सकता है वह बतलाते हैं। ठीक है, ज्ञान के आवरण का नाश मतलब ज्ञान के ऊपर क्या है, आवरण है ना, मतलब अज्ञान अज्ञान की अवस्था में है या फिर जो ज्ञान है उसके ऊपर क्या है, परत लगा हुआ है या फिर उसके ऊपर वो हमारा जो ज्ञान है किसी चीज से ढका हुआ है, तो उसका नाश किस प्रकार किया जाता है, तब इसके विषय में 43 नंबर का सूत्र है, उसमें कहते हैं बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेह तथा प्रकाशावरण क्षय। ठीक है, तो बहिर्कल्पिता अर्थात शरीर के बहिर मतलब बाहर, ठीक है, शरीर के बाहर अकल्पित, ठीक है, यहाँ पर बहिर और क्या है अकल्पित, संधि विक्षेप करेंगे तो शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति, ठीक है, अर्थात स्थिति का नाम महाविदेह है तथा अर्थात उस प्रकाश आवरण क्षय बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्या है क्षय हो जाता है। तो शरीर के बाहर जो अकल्पित स्थिति है ना, कौन सा नंबर का सूत्र है ये, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 43 है ना, लिखेगा किसी को तो बताइएगा। यस मैम, ये है ना, तो शरीर के बाहर अकल्पित स्थिति का नाम महाविदेह है और उससे ज्ञान के आवरण का क्या है क्षय हो जाता है। तो पहले इसी की व्याख्या को पढ़ लेते हैं, तो शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है उसको विदेह धारणा कहते हैं, अर्थात ठीक है पूरा पढ़ लेते हैं पहले, वह जब मन के शरीर में रहते हुए ही केवल भावना मात्र से होती है तब तो कल्पित है, और जब शरीर से संबंध छोड़कर बाहर निकले हुए मन की बाहर स्थिति हो जाती है तब क्या है वो अकल्पित होती है। मतलब देखो इसमें क्या बोला गया है, शरीर के बाहर जो मन की स्थिति रहती है ना, मतलब जो हमारा जो चित्त है उसका, मतलब बोलते हैं ना ऐसा कि आप शरीर से तो यहाँ पर है लेकिन आपका मन नहीं है, है ना, तब उस स्थिति को क्या बोला जाता है, विदेह धारणा कहते हैं, क्योंकि क्या है देह में नहीं है, देह के बाहर है, तो इस कारण क्या बोलते हैं उसको, विदेह धारणा कहते हैं। और वह जब मन के शरीर में रहते हुए केवल भावना मात्र से होती है तब उसको क्या है कल्पित कहते हैं, मतलब वो जो मन है हमारा शरीर में रहते हुए क्या है केवल भावना मात्र से रहता है, तब उस स्थिति को क्या बोला जाता है, कल्पित बोला जाता है, और जब शरीर से संबंध छोड़कर बाहर निकले हुए मन की बाहर स्थिति हो जाती है ना, अब हमारा क्या है शरीर में नहीं है ध्यान, है ना, तो इससे हमारा जब हमारा मन कहीं पर और है तब उस स्थिति को क्या बोला जाता है, अकल्पित कहा जाता है। तो कल्पित धारणा के अभ्यास से अर्थात जो जब हमारा मन क्या है शरीर में रहेगा, ठीक है, तो कल्पित धारणा के अभ्यास से ही क्या है अकल्पित धारणा सिद्ध होती है। मतलब पहले क्या है हम शरीर के अंदर ही रह करके क्या है अपने मन को
मतलब मन का शरीर में रहते हुए क्या है, पहले इसको सिद्ध करेंगे, फिर जब इसमें सिद्धि हो जाती है तब शरीर को छोड़ करके क्या है मन को क्या है बाहर में लगाते हैं, तब क्या है अकल्पित होती है। कहा गया जी, अकल्पित धारणा सिद्ध होती है। तो पहले कल्पित धारणा को सिद्ध करेंगे, उसके बाद क्या है अकल्पित धारणा सिद्ध होती है। इसी को क्या कहते हैं, महाविदेह कहते हैं। इससे योगी के ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है। यह धारणा इंद्रिय और मन की स्वरूपावस्था में संयम करने से होती है। इसके बारे में और जो हमारा इसी का 48 नंबर का जो सूत्र है उसमें दिया गया है। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है ना, तो थोड़ा याद करने के टाइप का है, तो उसी के हिसाब से करिए चलेंगे। तो शरीर के बाहर जो मन की स्थिति रहती है उसको क्या बोलते हैं, विदेह धारणा। देह में नहीं है तो इस कारण से क्या हुआ, विदेह धारणा। तो अब क्या है, जब मन में रहेगा, ठीक है, भावना मात्र से क्या है मन है वो शरीर के साथ रहेगा, इसी में हमारा मन लगा रहेगा, ठीक है, तब उस स्थिति को क्या बोला जाता है, कल्पित धारणा या फिर कल्पित सिद्धि करके, कल्पित धारणा करके आता, ठीक है। अब क्या है, शरीर से बाहर जब मन रहता है, ठीक है, तब उस स्थिति को क्या बोलते हैं, अकल्पित धारणा। तो पहले क्या है, हम कल्पित धारणा सिद्ध करेंगे, जब इसमें सिद्ध हो जाएंगे तब इससे आगे बढ़ेंगे, तब क्या होती है अकल्पित धारणा सिद्ध होती है। मतलब मन को हमारे शरीर से बाहर निकाल करके कहीं पर लगाने के लिए बोला जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, महाविदेह कहते हैं। इससे योगी के ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है। और क्या है, यह धारणा इंद्रिय और मन की स्वरूपावस्था में संयम करने से सिद्ध होती है। अर्थात ये जो महाविदेह की स्थिति है वो क्या है, इंद्रिय और मन की जो स्वरूप अवस्था है ना, उसी की अवस्था में क्या है, उसके स्वरूप में संयम करने से क्या है सिद्ध होती है। अब देखना इसमें आप लोग ऐसा कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, कि मतलब मन को शरीर के बाहर वो कर रहे हैं। तो कभी कभी तो हम लोगों के साथ भी होता है, हम लोग बैठे यहाँ पर रहते हैं लेकिन हमारा मन यहाँ नहीं होता है ना, तो उस समय क्या है हम मतलब अभ्यास नहीं कर रहे हैं, है ना, हमारा कंट्रोल नहीं है तब जा करके है। और लेकिन इसमें क्या है, हम अभ्यास कर रहे हैं, संयम के द्वारा अभ्यास कर रहे हैं, तब जा करके क्या है ये सिद्ध होती है। तो ये वाली स्थिति हमको कब प्राप्त होती है, जब इंद्रिय और मन की स्वरूप अवस्था में हम क्या है संयम करते हैं, तब। आया आप सभी को समझ में? यस मैम। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट सूत्र में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक नाना प्रकार के संयमों का फल सहित वर्णन किया। अब जो पहले पाद के 41वें सूत्र में ग्राह्य ग्रहण और गृहीता में की जाने वाली सभी समाधि के लक्षण बताए गए, उनका फल बतलाने के लिए पांच भूतों में और तद्जनित पदार्थों में की जाने वाली ग्राह्य विषय समाधि का फल बताते हैं। तो बताइए आप लोग 41 नंबर का जो सूत्र है उसमें क्या दिया है, किनको बताए, जो पहले हैंड रेस करेगा उसको बोलने का मौका। यस संतोषी। क्षीण वृत्तिर भी जातस्यो मणे गायत्री ग्रहण ग्राहे तो तद इस तद्जनता समापत्ति। तटस्थ तदंजनता समापत्ति, ठीक है। अब क्या होता है इसका मतलब, इच्छा जी आप बताइए। यस इच्छा जी। हाँ जी मैम बता रहे हैं। हाँ ठीक है, उमेश जी आप बताइए। जब हमारी हमारे हमारे वृत्तियां क्षीण हो जाती है, बिल्कुल क्रिस्टल के समान हो जाती है, ठीक है, तब तो हमारे अंदर ग्राह्य और ग्रहिता की क्षमता आ जाती है। जो ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य है तीनों में क्या है उसी में, हाँ उसी के स्वरूप का क्या है तदाकार सा हो जाता है, तब उस स्थिति को क्या बोला जाता है। हाँ आइए एक सर जी आप कीजिए, अच्छे से एक्सप्लेन बताइए। मैम ग्रहिता तो हमारा आत्मा है, ग्रहण इंद्रिया और ग्राह्य हो गए हमारे विषय। जब हमारी वृत्तियां क्षीण हो जाती है ना, इससे स्फटिक मणि के समान हमारा निर्मल चित्त तो जो होता है वो पुरुष इंद्रिया और विषय में स्थित तद तदरूप हो जाता है। मैम है हाँ उसको समापत्ति में कहा गया है, ठीक है। ये समापन कितने प्रकार होते हैं, समापत्ति के चार मैम, हाँ यस कौन कौन से, यस सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार। वेरी गुड, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
है ना। तो अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट, हमारा जो 44 नंबर का सूत्र है उसको आगे उसको पढ़ते हैं। तो स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान मयार्थवत् संयमान भूत जया, ठीक है। तो स्थूल, अच्छा हाँ ये हुआ है ना, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म, अब यहाँ पर क्या है अन्वय संधि है ना, अन्वय और क्या है यहाँ पर से अर्थवत्व। तो इन पांच प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से, इन पांच प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से योगी को भूत जय अर्थात पांचों भूतों पर क्या है विजय प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे पंच महाभूत हैं वो कौन कौन से हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये क्या हुए हमारे पंच महाभूत। और इनमें से क्या है प्रत्येक की पांच अवस्था होती है और वो पांचों अवस्था क्या है स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व। तो जब इन पांचों प्रकार की अवस्था में हम क्या है संयम कर लेते हैं तो हमको क्या है पांचों भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो अब ये अवस्थाएं कौन कौन सी है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्थूल अवस्था तो क्या है जिस रूप में हम इनको अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर रहे हैं, जिनको गीता में इंद्रिय गोचर अर्थात इंद्रियों के द्वारा दिखाई देने वाला कहा गया है, तो वे इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले, ठीक है, जिनको क्या है हम प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं। तो सब स्पर्श रूप रस और गंध इन नाम वाले पांचों विषय इनकी स्थूल अवस्था है ना। तो ये जो हमारी पंच महाभूत है जिनको क्या है हम अपने इंद्रिय के द्वारा अनुभव कर सकते हैं तो वही क्या है इसकी स्थूल अवस्था है। जैसे कि क्या बोलते हैं पानी है ना, तो पानी को मैं टच कर पा रही हूँ तो वही उसकी क्या है स्थूल अवस्था। फिर उसके बाद क्या है स्वरूप अवस्था, तो इनके जो लक्षण है वह इनकी स्वरूप अवस्था है। जैसे पृथ्वी की मूर्ति, जल का गीलापन, अग्नि की उष्णता और प्रकाश और वायु की गति और कंपन और आकाश का अवकाश, यह इनकी स्वरूप अवस्था है क्योंकि इन्हीं से इनके भिन्न भिन्न सत्ता का क्या है अनुभव होता है। तो स्वरूप अवस्था क्या किसको बोला है जिसका क्या है जो लक्षण है। अग्नि का अनुभव हमको कैसे होता है जब हम उसकी उष्णता को महसूस कर पाते हैं। जल का अनुभव कब होगा जो उसका गीलापन है। पृथ्वी की मूर्ति अर्थात क्या है ठोस अवस्था है ना, पृथ्वी क्या है ठोस अवस्था में है। और प्रकाश और वायु की, प्रकाश है वो क्या है कंपन के साथ और उसकी प्रकाश की क्या है गति के साथ और वायु का क्या है कंपन से। और आकाश का क्या है अवकाश अर्थात जो शून्य की अवस्था है। आकाश किसको बोला जाता है एब्सेंस रहता है ना, तो यही क्या है इनकी स्वरूप अवस्था है क्योंकि इन्हीं से इनके भिन्न भिन्न क्या है सत्ता का अनुभव होता है। तो ये हुआ मतलब जो भूत है उनकी स्वरूप अवस्था। फिर उसके बाद उसकी तीसरी अवस्था के बारे में कहते हैं इनकी जो कारण अवस्था है जिनको क्या है तन्मात्रा और सूक्ष्म महाभूत कहते हैं। क्योंकि हमारे पंच महाभूत बनते किससे हैं, पंच महाभूत बने किससे हैं जी, पंच तन्मात्रा से, हाँ। और किस सिद्धांत के द्वारा बने हैं ये विकासवाद है, विकासवाद से नहीं बने हैं भैया। वेदांत पढ़े हो विकासवाद के क्रम में आता है लेकिन वेदांत में क्या बोला गया है किसके द्वारा किस सिद्धांत के द्वारा, हाँ चल रहा है ना लेफ्ट नहीं हुए है ना, हाँ नहीं हुए है। तो किस सिद्धांत के द्वारा बनता है मैं इसे पहले भी क्लास में डिस्कस किया है ना, बताओ किसी को नहीं पता, पंचीकरण का सिद्धांत पढ़ के आना प्रकृति और पुरुष, ठीक है पंचीकरण का सिद्धांत पढ़ के आना, ठीक। आज की कक्षा में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये जो छोटा छोटा पॉइंट जो जो कहते जा रही हूँ ना सब आता है, अगर वो दूसरे सब्जेक्ट में भी रिमाइंड कराते हैं तो उन सब को कंप्लीट किया कीजिए, क्या पता वही एग्जाम में आएगा और दो नंबर के लिए रह गए नेट से, दो नंबर के लिए जेआरएफ से, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा है ना। तो उससे अच्छा जितना मिल जाता है पढ़ने के सब पढ़ लो। फिर उसके बाद है सूक्ष्म अवस्था, तो इनकी जो कारण अवस्था है अर्थात जो हमारे पंच महाभूत है वो उसका कारण क्या है वो किससे बनता है सूक्ष्म महाभूतों से। तो इस कारण क्या बोला है उसको उसकी कारण अवस्था, और इन्हीं सबको क्या बोला जाता है तन्मात्रा, क्यों क्योंकि इस तन्मात्रा से ही क्या है हमारे
स्थूल महाभूत है, और इसी को क्या कहा जाता है, तन्मात्रा और सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। वे इनकी क्या है, सूक्ष्म अवस्था है, जैसे पृथ्वी की गंध तन्मात्रा। अर्थात क्या है, पृथ्वी में जो बाकी जो स्थूल महाभूत है ना, जो बाकी कौन से तन्मात्रा है, वो तो बने ही है, लेकिन उसकी जो मुख्य तन्मात्रा है, मुख्य विषय, उसका क्या है, गंध तन्मात्रा। तो पृथ्वी की गंध तन्मात्रा, जल की रस तन्मात्रा, अग्नि की रूप तन्मात्रा, वायु की स्पर्श तन्मात्रा और आकाश की शब्द तन्मात्रा, तो ये क्या है, उसकी सूक्ष्म अवस्था। अब उसके बाद चौथी अवस्था है हमारी अन्वय अवस्था। तो पांचों भूतों में जो तीनों गुणों का स्वभाव, यानी कि प्रकाश, क्रिया और स्थिति। अब बताइए, प्रकाश किसका स्वभाव है, किस गुण का, सत्व गुण, और क्रिया किसका है, रजस का, और स्थिति किसका है, तमस गुण का, है ना। तो पांचों भूतों में जो तीनों गुण का स्वभाव, यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी क्या है, अन्वय अवस्था। अब बताइए, इन तीनों की अवस्था के बारे में कौन से नंबर के सूत्र में दिया गया है, कहाँ पर दिया गया है। सबके सब लोग टाइप कीजिए, जो पहले टाइप करेगा, टाइप करो करके बोलूंगी दूसरी बार, टाइप करो, जो पहले टाइप करेगा उसको बोलने का मौका देंगे। डोंट रेज योर हैंड, यस, योगेश दामवी जी आइए सामने, और बाकी लोग आप लोग टाइप कर लो भाई। हाँ सर, दो सी, वेरी गुड, क्लास में तो दो ही तीन लोग है ना पढ़ने वाले, बाकी लोग तो कथा सुनने आए हैं, दर्शक दिख रहा है, यस ठीक है। योगेश दामवी, हाँ, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, संलम, बुद्धियात्मक, भोग, अपवर, गाथम, दृश्यम, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, सीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोग, अपरदार्थम, दृश्यम, ठीक है। तो इसमें क्या है, तीनों गुणों की जो क्या बोलते हैं, स्वभाव है, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। और भोग और अपवर्ग देना ही उसका क्या है, प्रयोजन, इस स्थिति इसके बारे में बताया गया है। तो पांच भूतों में जो तीनों गुणों का स्वभाव, यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वही क्या है, इनकी अन्वय अवस्था है। उसके बाद है पंचम अवस्था, अवस्था, अर्थात ये जो पांचों भूत पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए है, यही इनका अर्थवत्व, अर्थात क्या है, यही इसकी प्रयोजनता या अवस्था है। तो अर्थवत्व मतलब क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर इसे समझो कि उसका कार्य या उसका अस्तित्व क्या है। तो प्रकृति का मुख्य कार्य क्या है, पुरुष को भोग और अपवर्ग देना, तो यही क्या है, इसकी प्रयोजनता या अर्थवत्व है। अब बताइए, इसके बारे में कौन से सूत्र में बताया गया है, कितने सूत्रों में बताया गया है इसकी प्रयोजनता के बारे में, प्रकृति के प्रयोजन के बारे में। हैंड रेस कीजिए जिनको पता है, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि आंसर मिलेगा। हेलो, हाँ दीदी सुन, मैं क्लास के बाद कर रहा था, हाँ क्लास के बाद कॉल कर रहा था। ठीक है, यस, वेरी गुड, है ना। 221 योगेश डांगी जी, ठीक है, आओ संतोषी सामने बताओ। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, ठीक है। और उसके बाद दो जगह पे बतलाया गया है इसका प्रयोजन, 58वां नंबर का सूत्र है, बताया गया है भोग अपरदार्थम दृश्यम, ठीक है। फिर उसके बाद 21वें नंबर में क्या है, उसको और किसी दूसरे सूत्र को कोट करते हुए बताया गया है, तदर्थ ए दृश्यस्यात्मा करके। तो इस प्रकार क्या है, दो जगह पर प्रकृति के प्रयोजन के बारे में बताया गया है, ठीक है। कुछ कुछ बातों को क्या है, एकदम याद रखिए, है ना, ताकि वहां पर आप लोग कंफ्यूज ना पूछे कहीं पर से भी, चाहे कान को इधर से पकड़ने के लिए बोले, चाहे इधर से पकड़ने के लिए बोले, सब साइड से हम लोग बता सकते, ठीक है, उत्तर सब जगह से मिलना चाहिए। तो इन पांचों भूतों को प्रत्येक अवस्था के क्रम से संपूर्ण अवस्थाओं में भली भांति संयम करके जब योगी इनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब योगी क्या है, भूतों पर पूर्णतया अधिकार हो जाता है। अब इनकी जो भूतों की
पांच अवस्था बताई गई है, उन पर संयम द्वारा जब साक्षात्कार कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, भूतों पर क्या है, विजय प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट वाले सूत्र में कहते हैं, इस प्रकार योगी जब भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब भूत पर विजय कौन से नंबर के सूत्र में बताया गया है, कौन से में बताया गया जी? अब भी तो पढ़ रहे हैं, हाँ पूरा जवाब दिया करो ना। हाँ, इस प्रकार योगी क्या है, भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब क्या होता है, तब उसको बतला रहे हैं, ततो अनिमादि प्रादुर्भाव काय संपद धर्मानधिभातश्च, ठीक है, तब उससे क्या है, जब भूत जय होता है तब उससे क्या है, अनिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं, आठ सिद्धियां हैं, वो प्रकट हो जाती हैं, और काय संपत्ति अर्थात काय संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, और धर्मानधिघातस्य उन भूतों के धर्मों से बाधा नहीं होता है। अब बताइए, हट प्रदीपिका में आया है अष्ट सिद्धि का चर्चा, आया है कि नहीं आया है, ये बताओ, आया है कि नहीं आया है जी? हाँ, अब कहां पर आया है ये बताओ। हाँ, कहाँ तो मुद्राओं का फल है मैम। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। और उसके अलावा और कहीं पर आया है मुद्रा के अलावा मैम? वो जो महा, अच्छा, महामुद्रा, महावेद, इन तीनों का फल भी है, और मुझे ध्यान नहीं आया। ठीक है, ध्यान कीजिएगा, पढ़ करके आइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी होमवर्क कल बताना, सब क्लास में आऊंगी ना, तो कि आज तक भी मिल रहा है सबके, सबको बताना मैम। जो केवल बताएंगे तीन चार है, क्या केवल बोलो, जो केवल कुंभक है उसका? हाँ ठीक है, आप लोग और कल अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है ना, लेकिन दिया है इतना पता है मुझे, ठीक है, आप लोग कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि आंसर शीट में राइट क्लिक आप लोगों को करना है, मुझे नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ऊपर बतलाई हुई अनिमा आदि क्यों, अब देखो भूत जय है तो उससे क्या है, हमको दो प्रकार के लाभ हो रहे हैं, है ना, एक क्या है, हमको अनिमा आदि जो आठ सिद्धियां हैं वो प्रकट हो जाएंगी, और दूसरा है काय संपत्ति प्राप्ति होगी, और क्या है, तीसरी सिद्धि क्या मिलेगी, भूतों के धर्मों से बाधा नहीं होगी। तो ये तीन प्रकार की क्या है, हमको लाभ मिलते हैं भूत जैसे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अष्ट सिद्धियों के बारे में। तो पहली सिद्धि क्या है, अनिमा अर्थात अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, जैसे हनुमान जी ने जो सुषा के रूप में एवं लंका में प्रवेश करते समय किया था, ठीक है, तो एकदम क्या है, अपनी जो सूक्ष्म अवस्था, अणु मतलब क्या होता है, एकदम छोटा, है ना, तो सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, तब इस स्थिति को क्या बोला जाता है, अनिमा। अब अनिमा के बाद क्या है, दूसरी सिद्धि लघिमा, है ना, तो शरीर को हल्का कर देना, लघु, ठीक है, इससे जल पंख और कंटक आदि से बाधा नहीं होती। बताओ, जल पंख और कंटक इससे बाधा नहीं होती है, कौन से वाले सूत्र में बोला गया है मैम? 39 यस, बोलो। हाँ यस, बोलो संतोषी, बोलो बोलो। उदान जया ज्वलनम जल पंक कंटकादिषु उत्क्रांतिष्य, कंटकादिष्व संग उत्क्रांतिष्य, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, लघिमा में आए थे ना, शरीर हल्का हो जाता है, इससे जल पंक और कंटक आदि से बाधा नहीं होती, और आकाश में गमन करने की शक्ति आ जाती है। और कहां पर बोला गया है आकाश में गमन करने की शक्ति आ जाती है करके मैम? लघु तूल समापत्ते, ठीक है, पूरा बोलो ना जी सूत्र। वो मैम काया काशियो संबंध संयमाद लघु तूल समापत्ते आकाश गमनम, यस, वेरी गुड, है ना। और उसके बाद दूसरा किससे हमको प्राप्त होता है, लघिमा के द्वारा, ठीक। अब उसके बाद आता है महिमा, शरीर को क्या है, बड़ा कर लेना, महिमा मतलब महिमा वंदन ऐसे करके बोलते हैं ना, किसी के बारे में जब एकदम मतलब बड़ाई करना रहता है ना, तब क्या है, महिमा का अर्थ शरीर को बड़ा कर लेना, जैसे हनुमान जी ने सुरसा के सामने किया था, मतलब एक बार तो पहले एकदम छोटा किए वो, है ना, मतलब पहले शरीर को क्या है बढ़ाते जाते हैं, तो वो क्या है अपना बहुत बड़ा सा ऐसे मूर्ति होती है ना, फिर उसके बाद क्या है एकदम छोटा सा स्वरूप अर्थात क्या है अनिमा रूप में आते हैं और जाते हैं और निकल के वापस आ जाते हैं, है ना। तो
तो ये हुआ महिमा। फिर उसके बाद है गरिमा, तो शरीर को भारी कर लेना, जैसे हनुमान जी ने भीमसेन के मार्ग में रुकावट डालते समय किया था। तो क्या होता है, हनुमान जी है मतलब भीम को ऐसा अभिमान हो जाता है कि मैं क्या है ताकतवर हूँ, ऐसे करके है ना, तो रास्ते मतलब ऐसे जंगल से गुजरते रहते हैं, हनुमान जी वहां पर बैठे रहते हैं और उसको क्या है मतलब अब उनको हटाना रहता है ना, तो बढ़ा करके वो शायद आगे बढ़ जाओ ऐसा करके बोलते हैं, तो सिर्फ उनका जो पूंछ रहता है उसी को ही हटा नहीं पाते हैं, तो शरीर को क्या है भारी कर लेना। अब इन सब में हनुमान जी का ही उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हनुमान जी के पास क्या है उसमें हनुमान चालीसा में आते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के ज्यादा करके है ना, तो क्या है हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां थी, माता सीता ने उनको वरदान दिया था है ना। फिर उसके बाद क्या है प्राप्ति, तो जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर लेना, मतलब मुझे ये चीज चाहिए ऐसा करके बस सोचना है और क्या है वो चीज आपके सामने आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है प्रकाम में, बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास हो जाना, मतलब इसमें तो सोचेंगे ठीक है मे भी इसमें कुछ रुकावट भी आ सकती है प्राप्ति में, लेकिन प्रकाम में क्या होता है बिना रुकावट की ठीक है, बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की क्या है पूर्ति हो जाएगी, उसमें मे भी रुकावट आ जाए लेकिन इसमें क्या है रुकावट नहीं आएगी। फिर उसके बाद सातवें नंबर का वसित्व, तो पांचों भूतों और तज्जन्य पदार्थों का क्या है वस में हो जाना ठीक है। अब वसित्व ऊपर से पहले ही पढ़े ही है भूत जय है ना, तो जो पंचभूत है हमारे और उससे जो जनित पदार्थ है वो तब क्या है हमारे वस में हो जाएंगे। फिर अंतिम जो हमारी अष्ट सिद्धि का पार्ट है, जो उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूपों में उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने की सामर्थ्य आ जाता है, मतलब क्या है उनसे हम क्या है अन्य जो पदार्थ है उसको उत्पन्न करने की शक्ति आ जाएगी और उन पंच महाभूतों पर शासन करने की शक्ति आ जाएगी, तो इसको बोला जाता है अष्ट सिद्धि ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा पहला एडवांटेज भूत जय का, तो पहला एडवांटेज है अनिमा आदि हमको सिद्धि मिल जाती है। दूसरा एडवांटेज है काय संपत्ति ठीक है, काय संपत्ति की प्राप्ति होती है, इस काय संपत्ति को नेक्स्ट सूत्र में बतलाया गया है। फिर उसके बाद है भूतों के धर्मों से बाधा ना होना ठीक है, इसका व्याख्या करते हैं। इसका यह भाव है कि भूतों के धर्म उस योगी के काम में बाधा नहीं डाल सकते, जैसे कि वह पृथ्वी के अंदर भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है जैसे हरेक मनुष्य जल में प्रवेश कर सकता है ठीक है, पृथ्वी का धर्म इस पूर्व भाव कड़ापन उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता, मतलब देखो पानी में क्या है हम अंदर जा सकते हैं, अब ऐसी पृथ्वी के अंदर ले जाकर के बोलेंगे जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे क्यों, क्योंकि पृथ्वी कड़ा है, लेकिन क्या है जल के अंदर जाने के लिए क्योंकि जल इधर उधर फैल जाएगा है ना, उसका वही गुण है, तो इस प्रकार क्या है जो भूतों के धर्म में बाधा नहीं जाएंगे, जैसे हम जल में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार क्या है हम पृथ्वी में भी प्रवेश कर जाएंगे, तो इस प्रकार हमको भूत जैसे भूत जैसे तीन प्रकार की सिद्धियां मिलती है, पहला है अनिमा आदि सिद्धियां, दूसरा क्या है बोलो काय संपत्ति की प्राप्ति, और तीसरा क्या है भूतों के धर्म में नहीं होगा बाधा ना होना हाँ ठीक है। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट नंबर के सूत्र में कहते हैं उक्त काय संपत्ति की व्याख्या ठीक है, ऊपर जो दूसरी सिद्धि बताई है काय संपत्ति की प्राप्ति होती है तो उसके बारे में कहते हैं रूप लावण्य बलवज सहनत्वानि काय संपत्ति ठीक है, तो रूप लावण्य बल और वज्र के समान संगठन ठीक है, तो चार प्रकार की शक्ति बताई गई है, पहला रूप फिर लावण्य फिर बल और उसके बाद वज्र के समान संगठन, ये क्या है शरीर की संपदाएं है, यही काय संपदा है। तो रूप अर्थात क्या है सुंदर आकृति ठीक, उसके बाद लावण्य है ना तो समस्त अंगों में चमक अर्थात लावण्य, उसके बाद बल अर्थात बल की बहुलता ताकतवर ठीक है, और वज्र के समान संगठन अर्थात शरीर के समस्त अंगों का वज्र की भांति दृढ़ और परिपूर्ण हो जाना, तो ये क्या है चारों शरीर संबंधी संपदा है, इसी को क्या बोला जाता है काय संपत्ति। तो काय संपत्ति के अंतर्गत चार चीजें आती है, पहला रूप लावण्य बल और वज्र के समान संगठन, ये क्या है हमारे काय संपत्ति है। अब उसके बाद
मन सहित इंद्रियों में की जाने वाली ग्रहण विषय समाधि। तो तीन प्रकार की समाधि हम लोग पहले वाले पाद में पढ़े थे, है ना, ग्राह्य विषय, ग्रहण विषय और ग्रहित्री विषय। ठीक है, तो जो ग्रहण विषय समाधि है उसका फल बताते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि ग्रहण स्वरूपास्मितान्मयार्थवत् संयमाद इंद्रिय जयः। ठीक है, तो ग्रहण स्वरूप, जब इन सबको संधि करेंगे तो ऐसा आएगा ना, ग्रहण स्वरूप, फिर यहाँ पर क्या है ये अस्मिता, फिर अन्वय और अर्थवत्व। इन पांचों अवस्थाओं में संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर क्या है, विजय प्राप्त होती है। अब इन पांचों अवस्था में क्या है, हम पुनः संयम करेंगे तो हमको मन सहित जो समस्त इंद्रियां है उस पर विजय प्राप्त हो जाएगी। तो इससे पहले हम लोग जो भूत है उसकी पांच अवस्था के बारे में पढ़े थे, है ना, स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व। तो यहाँ पर दो चीज बस चेंज हुआ है, है ना, ये ग्रहण और यहाँ पर अस्मिता, लेकिन जिसके जगह में ये रिप्लेस हुआ है उसी से ये रिलेटेड है, इसको समझते हैं। तो मन सहित इंद्रियों की पांच अवस्थाएं हैं, उस समय किसकी अवस्था बताया गया था उसको, भूतों की पांच अवस्था, है ना। तो उनमें क्रम से संयम करने से योगी का क्या है, इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है और उनकी अवस्थाओं के पांच भेद इस प्रकार है, अर्थात जो इंद्रिय है और मन है ना, तो उसकी क्या है पांच अवस्था है। तो पहली अवस्था है ग्रहण, तो विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था है वह क्या है, उसकी ग्रहण अवस्था है। तो क्या बोला गया है, विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रिय की अवस्था है उस वाली अवस्था को क्या बोला जाता है, ग्रहण, मतलब जिस रूप में जिसको देख करके आप ग्रहण करते हैं वही, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ग्रहण। उसके बाद क्या है, स्वरूप, तो मन और इंद्रियों का क्या है स्वाभाविक स्वरूप, जो कि अपने अपने स्थान में क्या है विद्यमान रहता है और लक्षण या संकेत से जानने में आता है कि वह क्या है उनकी स्वरूप अवस्था है। मतलब प्रत्येक क्या है, मन अपने जगह पे है, इंद्रियां है सारी क्या है अपनी जगह पे है, है ना, तो जो कि अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है और लक्षण और संकेत से क्या है जिस जो जानने में आता है ना, तो ये उसकी क्या है स्वरूप अवस्था है। फिर उसके बाद है तीसरा अस्मिता, तो यह मन सहित इंद्रियों का क्या है सूक्ष्म रूप है, इसी से मन सहित दसों इंद्रियों की क्या है उत्पत्ति होती है, यह उनकी सूक्ष्म अवस्था है। तो इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है मन और इंद्रियों का सूक्ष्म रूप अस्मिता, और इसी से क्या है जो दसों इंद्रियों की और एक मन की उत्पत्ति होती है, किसके द्वारा, अस्मिता के द्वारा, यह क्या कहलाती है उसकी सूक्ष्म अवस्था। तो स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म, और उसमें मतलब इस सूक्ष्म की जगह में क्या आया है अस्मिता करके आया है, तो यही क्या है जो मन और इंद्रियों की क्या है यही सूक्ष्म अवस्था है, इस पे याद रखेंगे। फिर उसके बाद है अन्वय, उसमें भी दिया था अन्वय, है ना, तो मन सहित सब इंद्रियों में जो तीनों गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है वही क्या है उनकी अन्वय अवस्था है। और अर्थवत्व, ये मन सहित सब इंद्रियां पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए है, यही क्या है इनकी सार्थकता है, यही इसका प्रयोजन है और यही क्या है इसकी अर्थवत्व अवस्था है। ये एकदम टफ है नहीं, है ना, आप लोग इनको पढ़ लेंगे। तो इन सब में क्या है, जब हम संयम कर लेते हैं तो मन सहित सभी इंद्रियों पर क्या है विजय प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद अब इंद्रिय जय, अब संयम किए है ना, तो अब इंद्रिय जय हो गया, अब उस इंद्रिय जय होता है तब उसका फल क्या होता है, तब उसके बारे में कहते हैं ततो मनोज वित्वम निकरण भाव प्रधान जयस्य। तो उस इंद्रिय जैसे मनोज वित्वम अर्थात मन के सदृश गति, अर्थात मन एक समय में यहाँ है तुरंत कहीं और चला जाता है ना, तो मन के सदृश क्या है गति, विकरण भाव अर्थात शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति, किसी भी चीज को क्या है हमारे पास शरीर है तभी हम अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन शरीर के बिना भी विषयों को अनुभव करने की शक्ति। और उसके बाद क्या है प्रधान जय अर्थात प्रकृति पर अधिकार, ये क्या है तीनों सिद्धियां हमको मिलती है कब, जब इंद्रिय जय हो जाता है तब। इससे पहले भूत जय का तीन प्रकार का फल बताया गया था, अब इसी प्रकार इंद्रिय जय का तीन प्रकार का फल बताया गया है। पहला क्या है मनोद्वित्वम अर्थात मन की सदृश गति,
दूसरा क्या है विकरण भाव अर्थात शरीर के बिना भी विषयों को अनुभव करने की शक्ति, और तीसरा है प्रधान जय अर्थात प्रकृति पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, अब ये व्याख्या सब आप लोग पढ़ के आएंगे है ना, तब है नहीं समझ आएगा तब इसको हम लोग कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब ग्रहिता में इससे पहले क्या है ये वाला किसका कर रहे थे, ग्रहण विषय का पढ़ रहे थे है ना हम लोग। हाँ गया जी, हाँ क्या ये अभी हम लोग ग्रहण विषय समाधि का फल पढ़ रहे थे है ना। ग्रहण किसके द्वारा करते हैं, इंद्रियों के द्वारा, तो इस कारण क्या है यहाँ पर पूरा इंद्रियों के बारे में चर्चा की गई है। अब उसके बाद उस इंद्रिय जय का फल पढ़े, अब उसके बाद किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्रहिता अर्थात क्या है जो ग्रहण करता है ना, तो ग्रहण कौन करता है, पुरुष है ना। तो अब उस समाधि का फल सहित वर्णन कर रहे हैं, तो सब स्किप नहीं हुआ है ना एक भी सूत्र, हाँ नहीं हुआ है ना। तो कहा गया सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। तो सत्व का अर्थ क्या होता है, बुद्धि, और उसके बाद पुरुष अर्थात पुरुष, तो बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है ना। अन्य व्याख्या सही करके पढ़ते हैं, तो बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसे समीप समाधि को प्राप्त योगी का सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम अर्थात सभी भावों पर क्या है स्वामी भाव हो जाता है, और क्या है सर्वज्ञातृत्वम अर्थात सभी चीजों को वो जान जाता है, इसी कारण क्या है सर्वज्ञ भाव हो जाता है। तो देखो जो ग्रहिता विषयक समाधि होती है उसमें क्या है दोनों की भिन्नता मात्र का ही क्या है उसमें ज्ञात रहता है, मतलब दोनों क्या है अलग है, बुद्धि और पुरुष इस चीज का ज्ञान रहता है, ऐसे इस उसको क्या बोला जाता है सवीत समाधि है ना। तो सवीत समाधि की अवस्था में बुद्धि और पुरुष दोनों भिन्न है इस बात का हमको ज्ञान रहता है, तो ऐसी समाधि को प्राप्त योगी का क्या है सब भावों पर स्वामी भाव ठीक है, और उसके बाद क्या है सर्वज्ञ भाव ठीक है, अर्थात वो सब चीजों के बारे में जान जाता है ठीक है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टाइप का है। तो ग्रहित्री विषयक समाधि से जब बुद्धि के रजोगुण और तमोगुण संबंधी संस्कार सर्वथा धुलकर उसमें शुद्ध सत्व गुण के ही संस्कार रह जाते हैं, उस समय केवल पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का अनुभव करने वाली वृत्ति रहती है। तो ग्रहित्री विषयक समाधि, अब ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, जो मन आदि इंद्रियां हैं है ना, तो उसके द्वारा की जाती है, तो उसको बोला क्या जाता है ग्रहित्री विषयक समाधि। तो इससे क्या है बुद्धि के रजोगुण और तमोगुण संबंधी संस्कार क्या है धुल जाते हैं। अब रजोगुण और तमोगुण संबंधी संस्कार धुल गया, तब शेष क्या बचा रहेगा हमारा, क्या बचा रहेगा सत्व गुण। हाँ ठीक है, सत्व गुण ही इसके संस्कार ही क्या है शेष रह जाते हैं है ना। तो उस समय केवल पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का अनुभव करने वाली वृत्ति रहती है, क्योंकि अब सत्व गुण प्रधान है ना, तो उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों क्या है भिन्न है, ये इसका अनुभव करने वाली वृत्ति रहती है, और इसी को क्या है विवेक ज्ञान कहते हैं। अब देखो विवेक ज्ञान की अवस्था वही होती है ना जिसमें पुरुष ये जान जाता है कि मैं बुद्धि से या मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, तो ये वाली वृत्ति जो रहती है इसी को क्या कहते हैं विवेक ज्ञान कहते हैं। अब इसी को क्या है पहले स्वार्थ में संयम करने से होने वाले पुरुष के ज्ञान से के नाम से कहा गया है। अब बताओ क्या है ये सूत्र, उसको आप लोग कल पढ़े हैं। मैम दोबारा रिपीट कर दीजिए, मतलब स्वार्थ करके बोला गया है ना, कल ही पढ़े हैं इस चीज के बारे में। संगीता जी आइए सामने, आप बताइए। संगीता सेन दे यही वाला जो आपने अभी बताया सत्व पुरुष। हाँ मैम नहीं वो नहीं, कल पढ़े हैं। और परार्थत स्वार्थ संयमात याद है किसी को मैम, सत्व पुरुषोर्यंता संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोगा परार्थ
स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, संयमात पुरुष ज्ञानम, ठीक है, पुरुष पर संयम करना, ठीक है। तो कहा गया इसी को क्या है विवेक ज्ञान भी कहते हैं, इसी को पहले स्वार्थ में संयम करने से होने वाले पुरुष के ज्ञान के नाम से कहा गया है। क्यों? अब जब वो परार्थ में संयम करते हैं मतलब बुद्धि में करके जब संयम करते हैं तब उसको उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता, अब खुद में स्वयं करेगा, स्व करके कल पढ़े थे ना, तो स्व में अर्थात खुद में संयम करेगा तो उसको क्या है पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। तो ग्रहित्री विषयक समाधि के द्वारा जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है उस समय योगी को समस्त भावों पर स्वामी भाव प्राप्त हो जाता है, अर्थात संपूर्ण गुण जो कि कार्य का आरंभ करने में लगे हुए हैं। अब देखो इसको क्यों बोला गया है संपूर्ण गुण है, क्योंकि अब प्रकृति क्या है तीनों गुणों से मिलकर बनी रहती है ना, साम्यावस्था रहती है। अब गुण के क्या है तो उसकी साम्यावस्था है वो भंग हुई विकृति हुई, फिर उसी से क्या है अन्य पदार्थ बनते हैं है ना, तो उसी से क्या है कार्य का आरंभ होता है। और जो अनारंभ अवस्था में है वे सब दास की भांति आज्ञा पालन करने के लिए सर्व भाव से उपस्थित हो जाते हैं। तो अब क्या है इस पे इन सब पे कंट्रोल हो गया, तो अब जो चीज अनारंभ मतलब जो एक्टिव नहीं है है ना, वो सब क्या है दास की भांति, अब जिसका पावर है उसकी बात मानेंगे ना, तो इस कारण क्या है तब उसकी दास की भांति आज्ञा पालन करने के लिए सर्व भाव से उपस्थित हो जाते हैं तथा उसे भूत वर्तमान और भविष्य अवस्थाओं में स्थित समस्त गुणों का एक साथ भली भांति ज्ञान हो जाता है। इसी से योगी क्या है सर्वज्ञ कहलाता है। अब सर्वज्ञ बोलते किसको है, जिसको सब चीजों के बारे में पता रहता है, तो इसी कारण क्या कहा गया है भूत अर्थात जो पिछला भूत बीत चुका है वर्तमान अभी जो चल रहा है और भविष्य जो आने वाला है ना, उन समस्त गुणों का क्या है उसको भली भांति ज्ञात हो जाता है। इसी से वह योगी क्या है सर्वज्ञ कहलाता है। इसके बाद की अवस्था क्या है धर्म में समाधि है, अर्थात ग्रहित्री विषयक समाधि में जब उसको विजय प्राप्त हो जाता है ना, वो समाधि जब उसकी सिद्ध हो जाती है तो वो क्या है सभी भावों पर उसका अधिकार हो जाता है और क्या है वो सर्वज्ञ हो जाता है। और सर्वज्ञ होने के बाद ही क्या है धर्म में समाधि की स्थिति आती है। पांच ही सूत्र और बचे हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद तीन या चार क्लास और होगी और कैवल्य पाद कंप्लीट मैक्सिमम थ्री क्लास, ठीक है। तो तद्वय राज्ञादपि, एक मिनट और इसके बाद क्लास है क्या कि योग दर्शन लास्ट क्लास है? यस मैम, इसके बाद कोई क्लास नहीं है। ठीक है तो करते हैं कंप्लीट है ना, 10 मिनट ही लगेगा हार्डली। तो तद्वय राज्ञादपि दोष बीज छे कैवल्यम, अब तद्वय राज्ञादात अपि अर्थात जो उपर्युक्त सिद्धि है उसमें भी वैराग्य होने से क्या है दोष बीज छे अर्थात दोष के बीज का नाश हो जाने पर क्या है कैवल्य की प्राप्ति होती है। अब सिद्धि मिल रहा है, अब उसके बाद सब हर जगह आप लोग देखेंगे है ना, तो पहले जो मिलता है उसको भी क्या है फिर बाद में उसका नाश करने के लिए बोला गया है। जैसे कि अब वृत्तियों की ही बात करते हैं तो वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं बोलो ना जी, दिखाने उतरती है हाँ मैम दो, क्या क्या कौन कौन, हाँ पहला क्या है क्लिष्ट वृत्ति और दूसरी अक्लिष्ट वृत्ति, ठीक है। अब उसमें भी सबसे पहले किस वृत्ति को नष्ट करने के लिए बोला गया है क्लिष्ट को, है क्लिष्ट को, और उसके बाद क्लिष्ट को समाप्त करने के बाद अक्लिष्ट, पहले क्लिष्ट वृत्ति को समाप्त करना है और क्लिष्ट वृत्ति को समाप्त करने के बाद अक्लिष्ट वृत्ति को समाप्त करना है ना। तो उसी प्रकार इसमें क्या है अब इतनी प्रकार की हमको क्या है सिद्धियां मिलेंगी, अब उसमें भी क्या है वैराग्य करने के लिए कहा गया है, तो जब उसमें भी वैराग्य हो जाएगा तो जो दोष के बीज है उनका नाश हो जाएगा और हमको कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो जो ग्रहित्र विषयक समाधि में जब यह ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि और पुरुष क्या है दोनों अत्यंत भिन्न है, अब ग्रहित्र विषयक में क्यों होगा क्योंकि इसी इंद्रियों के द्वारा ही तो क्या है हम ग्रहण करते हैं है ना, तो जब इसमें हमको वैराग्य हो जाएगा तो बुद्धि और पुरुष दोनों भिन्न है, इनका संयोग अविद्याकृत है अर्थात वास्तविक नहीं है, मतलब अविद्यावश ही क्या है बुद्धि और पुरुष को क्या है हम एक समझते रहते हैं।
तो उस समय उसके सामने पूर्व सूत्र में बताई हुई शुद्धि सिद्धियों का क्या है, प्रादुर्भाव होता है। इससे पहले जो हम सिद्धियां पढ़े हैं उसमें, और उसमें न अटक कर जो योगी पुरुष को सर्वथा असंग निर्विकार, असंग अर्थात वो किसी के साथ संग नहीं करता है ना, निर्विकार अर्थात विकार इसमें नहीं होता है, प्रकृति में होती है, कूटस्थ मतलब वो अलग रहता है, आनंद में अर्थात आनंद की अवस्था में रहता है, और उसके बाद क्या है, चेतन है, चेतन पुरुष का गुण है, तथा समस्त गुणों और उनके कार्यों को जड़ दुखप्रद और प्रतीक्षण बदलने वाले समझकर, क्योंकि क्या है प्रकृति जड़ है तो गुण क्या है प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, तो इस कारण जड़ दुखप्रद अर्थात दुख देने वाले, क्यों अविद्या बस क्या है संयोग होगा, फिर वो कर्म चक्र में फंसेगा, तो इस कारण दुखप्रद, और क्या है प्रतीक्षण बदलने वाले अर्थात क्या है वो प्रतिपल बदल ही रही है ना प्रकृति, तो ऐसा समझकर संपूर्ण गुणों से और उनके कार्यों से क्या है अत्यंत विरक्त हो जाता है। देखिए ये एक नंबर पे जो 16 में बताया गया है ना, क्या है 16 नंबर का सूत्र क्या याद है, वो है तत्परम वैराग्य, उसके गुणों में भी क्या है वैराग्य हो जाता है, तो उक्त पर वैराग्य से जब दोषों के बीज रूप अंतिम वृत्ति का भी सर्वथा निरोध हो जाता है, क्योंकि क्या है अब सब चीज नष्ट हो जाया रहता है इस समाधि में आने का बाद, केवल क्या है जो दोष रूप में जो बीज रहते हैं वही क्या है वही बस बचा रहता है, और जब उसका भी निरोध हो जाता है तब क्या है निर्बीज समाधि अर्थात अब बीज रूप में कुछ भी शेष नहीं रहता है ना, सारे जो दोष हैं उसके बीज भी समाप्त हो जाते हैं, इस कारण क्या बोला गया है निर्बीज समाधि हो जाती है, और इस अवस्था में अपनी वृत्तियों के संस्कारों सहित चित्त अपने क्या है कारण में विलीन हो जाता है, अब कुछ भी से चीज शेष नहीं रह गया तो चित्त क्या है अपने कारण में विलीन हो जाता है, और पुरुष की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अब चित्त अपने कारण में चला गया और पुरुष क्या है अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, और यह पुरुष का गुणों के साथ आत्यंतिक वियोग है अर्थात गुणों से क्या है वो अलग हो गया, इस कारण वियोग है, और इसी को क्या कहते हैं कैवल्य कहते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कैवल्य का परिभाषा, फिर से अब जब साधक कुछ उन्नत अवस्था में जाने लगता है तब उसके जीवन में नाना प्रकार के विघ्न आया करते हैं, अतः उनसे बचने के लिए सावधान करते हैं, ये सबके जीवन की बात है ना, आप थोड़ा सा प्रोग्रेस करना चालू करो आपके सामने दुनिया जहान के संकट आएंगे है ना, तो उसी के बारे में अब उनसे बचने के लिए कह रहे हैं, स्थानयुक्त निमंत्रणे संगस्य मया करणम पुनरनिष्ट प्रसंगात, अर्थात स्थानयुक्त निमंत्रणे अर्थात जो लोकपाल देवताओं के बुलाने पर भी, निमंत्रण मतलब बुलाने पर संगस्य मया करणम, ठीक है ना, तो उनके भोगों में संग अर्थात राग करना चाहिए और ना ही अभिमान करना चाहिए, तो अब देखो इतनी प्रकार की शक्तियां मिली है ना, मतलब अब विभूति के बारे में आप लोग सोचो कहाँ पर से पढ़ना चालू किए विभूति के बारे में, 16 के सूत्र यस है ना, 16 से कहाँ तक पढ़े, 16 से कहाँ तक पढ़े जी, मे बी 41 तक नहीं है भैया, नहीं 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 44-45 तक आएगा ना जी, ये सब भी तो है विकरण भाव प्रधान जैसे 48 है और 49 ये भी एक प्रकार की सिद्धि ही है, ये पल्प करके बताया गया है ना मैम, 48 तक नहीं है, 48 तक नहीं, ये भी इसको भी फल ही बोला गया 49 रुको देखते हैं, चलो आप लोग कल बताना अभी इसको कंप्लीट करते हैं है ना, कि कहां से कहां तक किया गया है सिद्धियों का वर्णन, अरे बहुत पीछे आ गए, कौन सा पेज नंबर था, सॉरी सॉरी मैम आप तो कैवल्य पाठ पे चले गए, 111 मैम पेज नंबर 111 यही है ना, एक मिनट, हाँ ये यहाँ पर आए थे है ना, तो स्थानयुक्त निमंत्रणे संघर्ष मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात, हाँ बोलिए, तो जो लोकपाल देवताओं के बुलाने पर भी ना तो उनके भोगों में संग या राग करना चाहिए और ना ही अभिमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या है पुनः अनिष्ट होने की संभावना होती है, देखो इसमें क्या होता है
चलिए व्याख्या को ही पढ़ लेते हैं, व्याख्या में एकदम और जल्दी से करके समझ में आ जाएगा। जब योगी की अच्छी स्थिति हो जाती है उस समय बड़े बड़े लोकपाल अधिकारी देवता और सिद्धियों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। उस समय देवता लोग अपने उसे अपने लोकों में भोगों का सुख दिखाकर नाना प्रकार से उनके भोगों की बढ़ाई करके अपने पास बुलाया करते हैं। तो अब देखो किसी को इतना सारा सिद्धि मिल रहा है, अब आप अपने आसपास ही करके देखेंगे है ना, तो किसी को कुछ अचीवमेंट होता है तो सब लोग क्या है उसको मतलब अपने से संबंध दिखाने लगते हैं ना कि ये मेरा ये है ये मेरा ये है, फिर उसको क्या है बुलाने लगते हैं। तो उसमें भी क्या है जो भोग देंगे है ना, आप चाहेंगे तो खिलाएंगे पिलाएंगे उसी को भोग समझ लो, तो उसमें भी क्या है राग नहीं करना है और मेरे पास ऐसी सिद्धियां आ गई है ऐसा करके भी क्या है अभिमान नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट होना संभव है। अर्थात आप समाधि के जिस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं वहां से नीचे भी आ सकते हैं। क्यों तो अब देखो ऐसा पहले भी हम लोग पढ़े ही है ना, सब जगह बोला भी गया है कि आगे बढ़ रहे हैं समाधि के मार्ग में है ना, तो ऐसा नहीं है कि आगे ही बढ़ेंगे, गिर करके हम वापस नीचे भी आ सकते हैं। तो इस कारण से क्या बोला गया है पुनः अनिष्ट होने की संभावना है, तो इस कारण उसके भोगों में और जो संग है उसमें राग नहीं करना चाहिए और ना ही अभिमान करना चाहिए। फिर उसके बाद जो 52 नंबर का सूत्र है उसमें बोला गया है विवेक ज्ञान की उत्पत्ति का दूसरा उपाय बताते हैं। इससे पहले विवेक ज्ञान की जो पहली उत्पत्ति है मतलब किससे होती है, प्राप्ति का मार्ग क्या है पहला, कल बताना, आज कंप्लीट करते हैं सबको ठीक है। तो क्षणत क्रमयो संयमाद विवेकजम ज्ञानम, तो क्षण और उसके क्रम में ठीक है, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित जो ज्ञान है उत्पन्न होता है। तो जो काल का जो छोटे से छोटा हिस्सा है, जो सबसे छोटा हिस्सा है जिसका और विभाग मतलब उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं क्षण कहते हैं। और उसका जो एक क्षण के बाद दूसरे क्षण में प्रकट होने का जो लगातार सिलसिला है, मतलब एक क्षण के बाद दूसरा क्षण आता है, तो उसी का नाम क्या है क्रम है। तो जो समय का जो सबसे छोटा हिस्सा है उसको बोलते हैं क्षण, और एक क्षण से दूसरे क्षण में जो परिवर्तन होता है उसको बोला जाता है क्रम। तो जब उसमें हम संयम करते हैं तो क्या है विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद 43 नंबर के सूत्र में बताते हैं अब विवेक ज्ञान उत्पन्न तो होता है तो उसका लक्षण क्या है, तो कहा गया है कि जाति लक्षण देशैर अन्यता नमक्षेदा तुल्यो स्ततः प्रतिपत्ति, ठीक है। तो जाति लक्षण देश है जिन वस्तुओं का जाति लक्षण और देश भेद से क्या है अन्यता नमक्षेदा भेद नहीं किया जा सकता, इस कारण तुल्ययो जो दो वस्तुएं तुल्य या एक के सदृश प्रतीत होती है उनके भेद की उपलब्धि उस विवेक ज्ञान से होती है ना। तो थोड़ा सा है इसको पढ़ लेते हैं, तो वस्तुओं का विवेचन करके उनका भेद समझाने के तीन कारण है। पहला है वस्तु की जाति मतलब दो चीजें जो सेम दिख रही है ना, तो उसको क्या है पहले उसकी जाति के द्वारा भेद किया जाता है, फिर उसके बाद वस्तु का लक्षण अर्थात उसके वर्ण आकृति आदि के द्वारा, और उसके बाद है उसका देश अर्थात स्थान। जैसे कि अब क्या बोलते हैं मनुष्यों में ही आप देख लीजिए है ना, तो सब लोग अलग अलग मतलब ये इस स्टेट का है ये उस स्टेट का है, इसको क्या है हम लोग जाति के द्वारा भी जान सकते हैं है ना। या फिर अन्य जीवों में हम जैसे देखते हैं तो जैसे कि शेर है बाघ है और बहुत सारे हैं है ना, उन लोग सब क्या है एक ही मतलब कैसे बोले जाए एक ही टाइप के हैं है ना, लेकिन उसमें भी क्या है उनकी अलग अलग जाति है। तो पहला उसकी वस्तु की जाति, फिर उसके बाद वस्तु का लक्षण, जो शेर और बाघ है उनके दोनों के क्या है लक्षण भी अलग होंगे, उनकी वर्ण आकृति भी क्या है अलग अलग होगी, उसके बाद देश अर्थात अलग अलग स्थान पर रहेंगे है ना। और इसमें भी और ऐसे करके भी जान सकते हैं, जैसे दो मनुष्य हैं वो जो सेम सेम है ना, तो सब क्या है अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो उस स्थान के आधार पर भी क्या है उनमें भेद किया जा सकता है। लेकिन इन तीनों के आधार पर भी जिसका भेद नहीं किया जा सकता, मतलब सारी चीजें आप क्या है सिमिलर है दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में, तो उस पर भी जो विवेक ज्ञान है उसके द्वारा क्या है उन दोनों को क्या है हम अलग अलग पहचान सकते हैं। ये क्या होता है हमारे विवेक ज्ञान का लक्षण। फिर उसके बाद उस विवेक ज्ञान की विशेषता, अब ये विवेक ज्ञान का लक्षण बताएं,
अब जो 44 नंबर का सूत्र है उसमें विवेक ज्ञान की क्या है विशेषता बता रहे हैं, तो कहते हैं कि तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। तो जो तारकम अर्थात तारने वाला है कहाँ से, संसार समुद्र से, और सर्व विषयम अर्थात सब विषयों को जानने वाला है, सर्वथा विषयम क्रमम ठीक है सब प्रकार से जानने वाला है, और उसके बाद क्या है और अक्रमम अर्थात बिना क्रम के भी जानने वाला है, इस प्रकार वह विवेक जनित ज्ञान है। तो विवेक ज्ञान की क्या क्या विशेषता बताई गई है वो सारे रजिस्टर को अंदर लाने के लिए यहाँ पर रख दो भैया एक सारा खत्म कर दो ठीक है। तो जो संसार समुद्र से तारने वाला है सबको सॉरी ना एक मिनट आज की क्लास यहीं तक करते हैं, बाकी कल बढ़ेंगे ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। हरिओम मैम, बहुत खींचा मैम।